नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, का फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आज मुकेश सैनी की पार्टी से बीजेपी में गए विधायकों का मामला गर्म रहा। भाजपा के विधायक मुकेश सैनी से इस्तीफा मांग रहे सैनी की नैतिकता वाले बयान पर शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया और कहा कि जो पीएम और गृह मंत्री को अपशब्द कह सकता है वो हमारे लिए कुछ भी कह सकता है। नैतिकता सभी के लिए होती है, सिर्फ एक के लिए नहीं होती। दरअसल सैनी ने भाजपा की नैतिकता को लेकर सवाल उठाया था। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत सारी भाषाओं का जवाब है। लगातार हमारे नेतृत्व का अपमान मुकेश सैनी के द्वारा किया जा रहा था, लगातार उनकी भाषा अभद्र निकल रही थी, इसकी वजह से ये बड़ा फैसला किया गया है। अगली खबर, तमिलनाडु में बिहार की डॉक्टर से गैंगरेप। तमिलनाडु के बिल्लौर में बिहार की एक महिला डॉक्टर से चाकू की नोक पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें 2 नाबालिग भी है। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। रात ज़्यादा हो जाने के कारण लड़की ने शेयरिंग में ऑटो रिक्शा लिया था, जिसमें 4 युवक पहले से ही सवार थे। अगली खबर, 40,506 पदों पर निकली हेडमास्टर की वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 पदों पर प्रधान शिक्षक की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च 2022 से भरे जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 है। इससे पहले आयोग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर यानी प्रधानाचार्य के 6421 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पूरी जानकारी प्राप्त कर फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर, सहनी का बड़ा ऐलान, कहा कि मैं झुकूंगा नहीं। पार्टी टूटने के बाद मुकेश सहनी पहली बार मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, मैं उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। अपने समाज के लिए आरक्षण मांगा है, सभी जगह आरक्षण मिला है, बिहार में नहीं मिला है, और बिहार में भी मैं हासिल करके रहूंगा। अपने संघर्षों को याद करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की है, रात में मुंबई की सड़कों पर फुटपाथ पर सोया है। मेरे लगातार विकास करने से लोगों को समस्या होने लगी थी। अगली खबर, बिहार का मौसम 2 दिशा से चल रहा, हवा के कारण आंख मिचौली वाला है। और पूर्वी हवा जहां ह्यूमिडिटी बढ़ा रही, वहीं पछुआ हवा के प्रभाव से गर्मी सता रही है। भागलपुर और गंगा से सटे बिहार के पूर्वी इलाकों में जहां मौसम थोड़ा राहत देने वाला है, वहीं पटना साहिब साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आसमान से आग बरसने जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। इस दौरान रात और दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हवाओं का असर साफ दिखाई देगा। अगली खबर, मुकेश सैनी की पार्टी बीआईपी के सभी 3 विधायक अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी के साथ रिश्तों में तलवार खींचे जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा कि क्या सभी विधायकों के बागी हो जाने के बाद अब मुकेश सैनी के मंत्री पद पर रहने की संभावना भी खत्म हो चुकी है। तो सुबह तक ये कयास लगाए जाते रहे कि अब मुकेश सैनी मंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन मुकेश सैनी ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि हमें इस्तीफा दिलवाने का हक सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, और वो जब कहेंगे मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर इस्तीफा दे दूंगा। अगली खबर, भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, चिराग पासवान फिर से आए करीब। सैनी का हाल देखकर मांझी के पार्टी ने बदला सुर। चिराग पासवान फिर से भाजपा के करीब, मुकेश सैनी की विदाई के साथ ही बदले मांझी की पार्टी के सुर। भाजपा के एक मास्टर स्ट्रोक से पूरी तरह बदली तस्वीर। बोचहा में भाजपा उम्मीदवार को चिराग का समर्थन मिल गया है और बिहार की राजनीति में एक नहीं बल्कि कई बड़े उलटफेर एक साथ देखने को मिले हैं। एक तरफ मुकेश सैनी को बड़ा झटका लगा तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी के पार्टी के सुर ही बदल गए। इससे भी बड़ा बदलाव ये हुआ कि चिराग पासवान लंबे अरसे के बाद भाजपा के साथ खुलकर खड़े होते दिखे। अब तक वो कहा करते थे कि वो अगले चुनाव के वक्त ही गठबंधन के बारे में सोचेंगे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव ही उन्होंने अकेले दम पर लड़ा, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए जदयू कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह का पुतला दहन किया। इस पर मंत्री काफी नाराज हो गए और कहा कि इसके लिए हमला बोला है। ट्वीट कर उन्होंने जदयू को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि इस ट्वीट से बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी ला देंगे। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया कि कट्टरपंथियों के खिलाफ धर्म के पक्ष में खड़ा होते ही मैं अपराधी हो जाता हूँ। जदयू मित्रों से निवेदन है कि जितना चाहे मेरा पुतला जलाएं, लेकिन हिंदुओं को कट्टरपंथियों के हमले से बचाएं। गिरिराज सिंह ने साथ में यह भी कह दिया कि आपके आचरण से यह संदेह नहीं होना चाहिए कि आप ही कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं।
अगली खबर संजय जायसवाल का बड़ा ऐलान, मुख्य सैनिक अब कभी नहीं होने देंगे एनडीए में एंट्री। अपना हित साधने में जुटे थे बीजेपी चीफ, बिहार की राजनीति में मुकेश सैनी इन दिनों चर्चा का विषय है। बिहार में गर्मी के पारे के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा। आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने कहा कि बोचहां से बीजेपी विधायक के निधन के बाद ही हम लोगों ने यह बता दिया था कि इस सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिन्होंने 2 माह पहले राजद से समझौता कर लिया, सैनी उसे उम्मीदवार बनाना चाहते थे, ये बात सभी को पता थी, लेकिन मुकेश सैनी इससे अनजान थे। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि मुकेश सैनी ने मछुआरा समाज के नाम लेकर उनके साथ अत्याचार किया है। बिहार में 867 करोड़ रुपये जो निषाद समाज के कल्याण में लगने थे वो लैप्स कर रहे। जायसवाल ने कहा कि मंत्री मुकेश सैनी ने 1196 करोड़ रुपये में से सिर्फ 394 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए हैं, जो कि मछुआरा समाज के हित के लिए दिया गया था। अगली खबर चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो की किडनी खराब हो गई है। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद मौखिक रूप से उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। लालू यादव से डोनर तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले लालू यादव को एम्स में एडमिट करने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। 10 घंटे के ड्रामे के बाद आखिरकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एम्स दिल्ली में एडमिट कर लिया गया। नेफ्रोलॉजी यूनिट में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। रिम्स की रिपोर्ट से एम्स के डॉक्टर संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद लालू की MRI, CT स्कैन और ब्लड शुगर सहित 12 तरह की जांच दोबारा की गई। अगली खबर द कश्मीर फाइल्स 13 दिन में 200 करोड़ क्लब में शामिल। अनुपम खेर स्टार द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते के 6वें दिन करीब 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं इस फिल्म ने 13 दिन में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है। लाइफ टाइम बिजनेस के मामले में फिल्म ने अक्षय कुमार के सूर्यवंशी को भी पीछे छोड़ दिया है। तरुण आदर्श ने पोस्ट शेयर कर बताया कि द कश्मीर फाइल्स कोरोना काल में हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म हिंदी फिल्म बन गई है। तो दोस्तों बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती है।